अगर आप भी चाहती हैं प्रेगनेंसी तथा बच्चों से जुड़ी हर छोटी से छोटी समस्या का समाधान, तो सब्सक्राइब करें हेल्पिंग गाइड टीवी को और बगल में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू हेल्पिंग गाइड टीवी। फ्रेंड्स, आजकल कई महिलाएं अपने मोटापे का शिकार हो चुकी हैं। फिर शादी के बाद जब वह प्रेगनेंसी की सोचती हैं, तो बात आती है उनकी डिलीवरी को लेकर कि क्या उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अधिक वजन की महिलाओं में नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल क्यों होती है और वे क्या उपाय कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी ना हो पाने के कारण। ज़्यादा वजन की महिलाओं में गर्भाशय की दीवार यानी चमड़ी बहुत मोटी होती है, यानी गर्भाशय का मुंह की जो परतें होती हैं वह बहुत ही चिपकी हुई होती हैं। दर्द होने पर भी उनके गर्भाशय में ज़्यादा संकुचन नहीं हो पाता, जिससे बच्चेदानी का मुंह बहुत ही कम खुल पाता है। शिशु जन्म के लिए कम से कम 10 सेंटीमीटर बच्चेदानी का मुंह खुलना जरूरी होता है। इस वजह से अधिक वजन की महिलाओं को डॉक्टर सिजेरियन की सलाह देते हैं, चाहे भले ही महिला स्वस्थ क्यों ना हो। उपाय। यदि आपका वजन अधिक है और आप चाहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो आपको इसकी तैयारी पहले से ही करनी होगी। जैसे आपको कम से कम प्रेगनेंसी के 6 महीने पहले से ही एक्सरसाइज योगा करना शुरू करना होगा, ताकि आपकी मांसपेशियां शिथिल हो सके और गर्भाशय में भी मुलायमत आ सके। प्रेगनेंसी के बाद भी आपको 9 महीने घर के सारे काम करने चाहिए, केवल भारी कामों को छोड़कर, और एक अच्छा खान पान रखना होगा। तेल मसालेदार चीज़ों को छोड़ करके हरी सब्जियां, दाल, दूध, अंडे, इन सब का सेवन करना ही होगा। अधिक वजन वाली महिलाओं को पूरी प्रेगनेंसी में चाहिए कि एक कमरे का पोछा उखड़ू बैठकर खुद ही लगाएं। इससे उनकी गर्भाशय की दीवारों में लचीलापन आएगा, डिलीवरी के समय मुंह जल्दी खुलने की संभावना भी बनेगी। अच्छे डॉक्टर से संपर्क करके रोजाना योगा व्यायाम करना उनके लिए जरूरी होता है, इसलिए डॉक्टर से पूछ करके इन सब चीज़ों को अपनी प्रेगनेंसी में जरूर शामिल करें। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टिप्स अधिक वजन वाली महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी पाने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही प्रेगनेंसी तथा छोटे बच्चों से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।